पूरा हो गया है। अगर उस लड़की में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, तो वो वापस मुड़ के नहीं आएगी। लेकिन सुनो, मैंने जरीना से भी ये बात की थी और मैं अभी तुमसे ये बात करना चाह रही हूं। जो कुछ भी हुआ है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जी फरीदा आंटी, एज यू विश। फिरत, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? फिरत बोलो ना। मैं कराची जा रही हूँ खाला, मुझे अशर से मिलना है, वरना उसकी माँ जीत जाएगी। खाला, कैसी बात कर रही हो तुम ये? मुझे कराची जाना होगा, मुझे अशर से मिलना है। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगी, कभी ना कभी तो वो उससे मिलेगा ना, मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आप देखिएगा, वो सबको ठीक कर देगा, एक एक से बदला लेगा वो। आज तो तुमने यहाँ पे फोन कर लिया, आईना मत करना, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अब से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, कि जब तुमने इस दुनिया में आंख खोली, जब इस दुनिया में पहली सांस ली, तो तुम्हें इज्जत और अपना नाम देने वाला तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था। मुझे माफ कर देना मेरी जान, कि मैं उस जालिम शख्स से तुम्हारा वजूद तस्लीम ना करवा सकी। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने अपनी ही बेटी के वजूद को एक गंदी गा। घर चलोगे? तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। नहीं यार, but thanks for the offer though. अभी ऑफिस में काफी काम है। तुम्हें पता ही हमारी रोज की रूटीन बन गई है। मैं रोज तुम्हें बोलती हूँ मेरे साथ घर चलो, और तुम रोज मुझे टाल देते हो काम का कहकर। फिर ऑफिस में देर तक बैठे रहते हो, अपने आप को काम में डुबोए रखते हो। तुम्हें पता है ऑफिस में से सबसे आखिरी बंदा जो निकलता है वो तुम होते हो। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, पूछती रहूंगी मैं तुमसे। किसी दिन तो चलोगे मेरे साथ, किसी दिन तो अपने आइसोलेशन से बाहर निकलोगे, और फिर मुझे मेरा दोस्त वापस मिल जाएगा। मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूँ सारा। हो, लेकिन बदल गए। चलो खैर, ऑफिस में देर तक मत रुकना प्लीज, थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। ओके ठीक है, बाय।
रहा जुदाई ना थी क्या हुआ खैरत? बात हुई अशर से? फिर मांगा ही मैं भी कशर हुसैन से, पानी पी लूं। तुम्हें पता है अफशीन, जब हरीम पैदा हुई थी मैंने बतूल खाला से क्या कहा था? बड़े यकीन के साथ मैंने उनको कहा था कि अशर के बगैर, उसके किसी सहारे के बगैर बिल्कुल तन्हा हरीम को पालूंगा। मुझे क्या पता था उस बड़े बोल की सजा इस तरह तकदीर मुझे देगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अल्लाह कोई सजा नहीं दे रहा, बस एक छोटी सी आजमाइश है। मैं अपनी बेटी का इलाज नहीं करा सकती अफशी। उसके इलाज के पैसे मांगने के लिए मैं वहीं गई ना, जहां बड़ी अना के साथ कहती थी कभी नहीं जाऊंगी। खैर अफशीन, क्या ये जरूरी था कि मैं गरीब पैदा होती और अशर अमीर? उसके पास पैसा है इसलिए वो जो भी करे, इज्जतदार है, गुरूर के साथ सर तान के बैठा हुआ, और मैं गरीब हूं इसलिए हर ज्यादती हर जुल्म सहने के बावजूद मुझे ही जलील ख्वार होना पड़ रहा है। तुम अशर से अपने लिए कुछ मांगने नहीं गई थी, बल्कि हरीम के लिए उसके हक का मुतालबा करने गई थी, और अशर का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे। ये हरीम का हक है। हक? उसका तो हक ये भी था कि उसकी पैदाइश के बाद उसका बाप उसे अपना नाम देता, वो यतीमों और लावारिसों की तरह पैदा ना होती। हौसला करो खैरत, मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कितनी जिल्लत महसूस कर रही होगी। तकदीर इतनी बेरहम क्यों होती है? तुम्हें पता है, जब मैं उसके ऑफिस की तरफ जा रही थी, मेरे अंदर की औरत, जिसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था, वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तुम वहां पर उसकी बीवी बनकर नहीं गई थी, बल्कि एक मां बनकर गई थी।
तुमने अशर से सारी बातें की? क्या तुमने अपनी बेटी के लिए उससे पैसे मांगे? हाँ, सारी बातें की मैंने उससे, उसकी जुबान में बात की मैंने उससे, ये नफरत का इजहार भी किया, मगर फिर भी अफशी, मैं उसके पास तो गई ना, उसके दर पे उससे भीख मांगी, उससे मदद मांगी, मैं कभी कभी भी सर उठा के नहीं जी सकूंगी। मुझे मेरी औकात सही तरह से मालूम हो गई। मामा, आज आप सुबह कहाँ थी? मामा की जान, मामा को बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। मामा, आपको पता है मैंने अली के साथ बहुत अच्छे टॉम एंड जेरी देखे थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन अली मुझे बता रहा था आज आपने बहुत भागदौड़ भी की है। आपको पता है ना डॉक्टर साहब ने मना किया आपको। सॉरी मामा, मैं भूल गई थी। हाँ मामा, आपको पता है कि जेरी ने टॉम को रूम में बंद कर दिया। भाई, ये मुझे एक बात समझ नहीं आती, जेरी टॉम को इतना तंग क्यों करता है? क्योंकि टॉम जो है जेरी को खाने की कोशिश करता है। मगर एक चीज बताऊं, मेरा फेवरेट तो टॉम है। जब भी उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। नहीं, सबसे अच्छा तो जेरी है। नहीं, सबसे अच्छी तो हरीम है। सारी रात कहाँ थे? मैं इतनी परेशान थी, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे अपना? अरे, ये क्या हुआ है तुम्हें? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं वो खेल रही थी ना, मेरा सांस फूल गया। अच्छा, उठो चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, कैसी हो अभिषेक? अरे ठीक हूँ यार, पता है अब तो हम लोगों का कराची में दिल भी लग गया।
छुट्टियां होने वाली हैं, तुम हरीम को लेकर आ जाओ ना। इस वक्त ये मुमकिन नहीं होगा अभिषेक, आजकल हरीम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ हरीम को? पता नहीं अभिषेक, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि उसको हुआ क्या है। थोड़ी सी भागदौड़ करती है तो थक जाती है, पेट भर के खाना खाएगी तो उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आज तो खैर नहाने में भी इतना थक गई कि अजीब तरह की खींच खींच के सांसें ले रही थी। तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? अरे किसी अच्छे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाओ। हाँ मैंने दिखाया है एक डॉक्टर को, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी इलाज भी हो रहा है, टेस्ट भी लिए हैं अभी, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। अफशीन प्लीज हरीम के लिए दुआ करो। मैं जरूर दुआ करूंगी खिरत। देखो तुम परेशान नहीं हो, हरीम की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आएंगी, बस तुम उसका सदका दो। आपकी बेटी की रिपोर्ट कुछ ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहती, मगर मुझे खदशा है कि आपकी बेटी के दिल में पैदाइशी तौर पर कुछ नुक्स हैं। बाज दफा बच्चों में इस तरह के नुक्स होते हैं जो फौरी तौर पर सामने नहीं आते। बहरहाल आप अपनी बच्ची को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए, बल्कि मेरी तजवीज तो यह है कि आप उसको कराची ले जाइए, वहां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। खाला मुझे लगता था जिंदगी में जितनी आजमाइशें आनी है वो आ चुकी हैं। हरीम और मैं हंसी खुशी साथ मिलकर जिंदगी गुजारेंगे, मगर अब फिर जिंदगी मुझे आजमा ली। तुमने तो हरीम को कराची के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया है, क्या कहा उसने? डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा है कि हरीम के दिल का एक वाल्व वो पैदाइशी तौर पर खराब है, इस डिफेक्ट को सर्जरी के साथ ही ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर कह रहे थे कि हरीम को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, जल्द से जल्द। बतूर खाला मैं कैसी माँ हूं? मेरी बेटी एक नुक्स लेके पैदा हुई, मुझे इस बात का इल्म ही नहीं हुआ। अपने आप को इल्जाम मत दो, तुमने हरीम की परवरिश में कोई कोताही नहीं की। मुझसे ज्यादा इसका और कौन गवाह हो सकता है? तुमने दिन रात मशीन की तरह काम किया, खुद को हलकान किया ताकि हरीम को बेहतर जिंदगी, बेहतर तालीम और बेहतर खुराक मुहैया कर सको। अगर अब मैं क्या करूं बतूल खाला? डॉक्टर ने कहा है कि हरीम का इलाज सिर्फ सर्जरी है, मैं कहां से पैसे लाऊं? मेरी घर बेटी खुलने वाली है अगले महीने। बतूल खाला ये 40-50 हजार रुपए की बात नहीं है, इस सर्जरी में तो लाखों लग जाएंगे। जो कुछ पैसे मैंने जमा किए थे वो तो आधे से ज्यादा कराची आने जाने टेस्टों में लग गए, कहां से लाऊंगी इतने सारे पैसे? पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो रहा अभिषेक, मेरी बच्ची की जान खतरे में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, किससे मदद मांगू। तुम अशर से क्यों नहीं मिल लेती खिरत? अशर? हाँ अशर, उसे कहो यहाँ वहां चैरिटी करने की बजाय अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे, जो उसका फर्ज बनता है। तुम क्या क्या रही अफशीन? पहली बात तो यह है कि मैं मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और फर्ज कर लो मैं वहां चली भी जाती हूँ तो तुम्हें क्या लगता है वो हरीम को अपनी बेटी मान लेगा? मैंने एक वक्त गुजारा है उसके साथ अफशीन, तब तो मैं उसे काबिल एतबार नहीं लगी, और अब जब मैंने 4.5 साल उसके बगैर गुजारे हैं तो तुम्हें क्या लगता है वो मेरा एतबार करना शुरू कर देगा? अब तुम ये मत कहो कि तुम मरते दम तक अशर के पास नहीं जाओगी, प्लीज इसे अपनी ईगो का मसला मत बनाओ। तुम्हारी बेटी है हरीम, उसके लिए पैसे मांगने जाओ, कोशिश तो करो। तुम मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? मैं उस बेरहम जालिम इंसान के दर पे जाके खड़ी हो जाऊं, उससे रहम की भीख मांगू? तुम उससे रहम की भीख नहीं मांग रही हो, ये हरीम का हक है और एक बाप होने के नाते उसका फर्ज बनता है। अगर अशर ने इनकार कर भी दिया तो कल को तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा कि तुमने अपनी ईगो को अपनी बेटी से ज्यादा अजीज समझा।
अशर सारी रात कहाँ थे? मैं इतनी परेशान थी, तुम फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे अपना? वो मम्मी मैं कुछ पुराने दोस्तों के साथ था, फोन मेरा ऑफिस में रह गया था। खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। खैर गुड नाइट। हाँ गेट सम स्लीप। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपसे अपने किरदार की कोई गवाही लेने आई। बात इस वक्त मेरे किरदार की नहीं, मेरी बेटी के हक की हो रही है। उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, शायद आपको याद होगा मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं, ना ही खिजर आलम का है। अलबत्ता आपका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। हरीम अशर, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम घर जाके दो चार दिन आराम क्यों नहीं कर लेते? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम मुझे तो ठीक नहीं लग रहे, पिछले चार पांच दिनों से खासे उलझे से हो, या तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हें कोई टेंशन है। तुम्हारी दोनों ही बातें गलत हैं, ना तो मैं बीमार हूं ना ही मुझे कोई टेंशन है, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। चलो भाई मान लेते हैं कि मेरी दोनों बातें गलत हैं, फिर तो एक ही और बात हो सकती है और वो ये कि तुम मुसलसल काम कर करके थक चुके हो। फॉर गॉड सेक्स टेक अ ब्रेक, घर जाओ, दो तीन दिन रेस्ट करो, यू फील मच बेटर। ओके आई थिंक अबाउट इट। अब अगर तुम्हारी नसीहतें खत्म हो गई तो हम काम की बात कर लें। What are you working on? This is a presentation I made about us taking over their company. उठ गई। लाओ मुझे लीडर। खावर भाई और अली चले गए? हाँ आज हम दोनों सहेलियां मिलके ना अंडे और पराठे का खूब हैवी सा नाश्ता करेंगे। हरीम सॉरी। अच्छा है देर से ही सोकर उठे, अली भी स्कूल गया होता है, वो तो बेचारी बोर होती रहती है। खैरत क्या हुआ है? खैरत कोई परेशानी है? बात करो मुझसे। शिंग मेरी बेटी मौत के मुंह में जा रही है, क्या करूं, किस तरह उसे बचाऊं? खैरत तुम्हारे कहने पे मैं उस शख्स से तो मिल ली, अपनी इज्जत अपनी खुददारी भी गवा ली। पूरे चार दिन हो गए हैं उसके जवाब का इंतजार करते,
4.5 साल पहले इसी तरह मैंने उसका इंतजार किया था। कल भी मेरा इंतजार ला हासिल था और आज भी ला हासिल। अशर ने फोन तक नहीं किया, इतनी बेहसी की तवक्को नहीं थी मुझे उस आदमी से। नहीं बेवकूफ अफशीन, एक बार फिर एक ऐसे शख्स को आजमाने चली थी जो मेरा आजमाया हुआ था। मैंने उस शख्स से नरम दिली और इंसानियत की तवक्को की, जबकि दिल और इंसानियत नाम की चीज उसके पास है ही नहीं। मैं हार गई हूं अफशीन, ये आखिरी दर भी खटका लिया मैंने। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हमारी भी सारी सेविंग्स और जेवर तुम तो जानती हो कि कारोबार में लगा दिया और उल्टा नुकसान ही हुआ है। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूं। हो गई तैयारी? अशर जानी, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल जरूर रखना। डोंट नेग्लेक्ट योरसेल्फ। मम्मी डोंट वरी, आई एम अ बिग बॉय नाउ। आई नो, लेकिन अगर मैं वरी नहीं करूं तो और कौन करेगा? साहब आप फिक्र ना करें, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। अब हम चलें वरना आप लेट हो जाएंगे। अशर, आज इतनी जल्दी ऑफिस से जाया जा रहा है? अभी तो तुम्हारे जाने का टाइम नहीं हुआ। हाँ वो अब्बास के वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ है, तो आई हैव टू गो एंड सी हिम। ओके, मैं चलता हूँ, विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाएंगे तो वहाँ से। ओके। खेलो बेटा। थैंक यू अंकल। आप वही पिक्चर वाले पापा है ना? हरीम, चलो हरीम, चलो डॉक्टर अंकल बुला रहे। सुनो, तुम हरीम को अंदर लेके जाओ, ठीक है? मैं आती हूँ।